हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था ब्लड रिलेशन, यानी कि क्या रक्त संबंध। इसके हमने चार टाइप पढ़ लिए हैं। आज है पांचवा टाइप, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित। इस टाइप के क्वेश्चन सारे एग्जामों में देखने को मिलते हैं। अगर कोई बड़ा एग्जाम होता है तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने चार टाइप बहुत ही अच्छे से करवा रखा है, अगर आपको वो देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और रीजनिंग चैप्टर के नाम से वहाँ से देख लेना। सारे के सारे ब्लड रिलेशन के जितने भी टाइप होते बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये लास्ट टाइप है, पाँचवा टाइप, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित, ठीक है। तो इसको देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन का पांचवा टाइप, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इसमें कोड तथा गणितीय संकेत, यानी कि क्या कोड मतलब जैसे कोड होता है कोई गणितीय संकेत, और क्या होता है प्रतीक से कोड करा होता है। जैसे क्या है, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्नों में विभिन्न संकेतों को क्या, जैसे ए बी का भाई है, इन सबको कैसे कहता है, प्लस माइनस गुणा भाग, यानी क्या प्लस माइनस गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, और भाग मतलब डिवाइड, तथा प्रतीकों से यानी क्या स्टार, डॉलर, हैश, परसेंटेज, एट द रेट, सी, एट द रेट, ये सब इत्यादि संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे कि क्या ए बी का पिता है, इनको क्या कहेगा, वो प्लस या माइनस से डिनोट करता है या डॉलर से, इन सब से डिनोट करता है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इनको कैसे सॉल्व करा जाता है, इनको हम देखते हैं अब कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, यानी कि प्रतीक और डॉलर, सारे के सारे इसी वीडियो में देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है ऐसे, यदि P प्लस Q का अर्थ P Q की माँ है, P भाग Q यानी P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का भाई है, P गुणे Q यानी P मल्टीप्लिकेशन का साइन है, P गुणे Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P माइनस Q यानी P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, ठीक है। ये सब बता रखा है। ऐसे पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ एम एन की बहन है। इसका मतलब क्या कि एम एम जो है लड़की है, यानी बहन है किसकी, एन की। अब एन भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एम क्या होना चाहिए, बहन ही होनी चाहिए एन की, ठीक है। ये हमें बताना है। इसके चार ऑप्शन है, एन गुड़े पी माइनस एम, बी में है पी प्लस एन भागे एम, सी में है एन माइनस एम, डी में है एम माइनस पी भागे एन, ठीक है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को फॉलो कर देगा कि एम एन की बहन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे जो प्लस भागे गुड़ा ये सब दे रखा है, इसका मतलब हम देख लेंगे कि क्या होता है, और ये देखेंगे फॉरवर्ड केस है या बैकवर्ड केस है। इसका मतलब क्या, जैसे P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है, यानी कि क्या P Q की माँ है। ऐसा बता रखा है कि P जो है Q की माँ है, यानी इधर से ऐसे रिलेशन चला हुआ है। कभी कभी ऐसे आ जाता है जैसे P Q की माँ है, यानी रिलेशन ऐसे आया है। कभी कभी ऐसे आ जाता है कि ऐसे आ जाता है Q P की माँ है, तो क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है क्यू पी की माँ है, यहाँ आ जाता है क्यू पी की माँ है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ बोला होगा सेम वैसे ही जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें भी हम वैसे ही चलेंगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जैसे बोला होगा क्वेश्चन में वैसे ही यहाँ भी चलेंगे। एक बात दूसरी क्या है, जो ये प्लस है इसका साइन हम निकाल लेंगे कि प्लस को क्या कह रखा है, प्लस मतलब क्या है माँ, प्लस मतलब है माँ, और भागे मतलब क्या है, भागे का अर्थ है भाई, भागे का मतलब भाई, और गुड़े का अर्थ है, गुड़े मतलब क्या है पुत्र, और क्या है माइनस, माइनस मतलब क्या है बहन। बस इतना ही, जैसे ये सब नहीं देखना होगा हमें, ये देखना होगा, ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा रिलेशन। अब पूछा क्या है, एम एन की बहन है, एम एन की बहन है तो कैसे होना चाहिए, ऐसा रिलेशन आना चाहिए कुछ, एम एन की बहन है,
एम एन की बहन है, यानी कि ये होना चाहिए लड़की, और ये लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। अगर बहन होगी तब भी ये बहन ही होगी, अगर ये भाई होगा तब भी ये बहन हो जाएगी, ठीक है। ऐसा हमें यहाँ से फाइंड करना है, तो ये ढूंढना है हमें कि कहाँ मिल सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो अगर हम एग्ज़ाम में कर रहे हो तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कि ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अभी तो हम सीख रहे हैं इसलिए हम सारा का सारा देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो आप एलिमिनेशन से करना, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत ही कम होता है। एलिमिनेशन में कैसे, कि जैसे क्या बताना है हमें, एम एन की बहन है, इसका मतलब क्या है, एम एन की बहन है, तो बहन बताना है हमें, बहन यानी लड़की, हमें लड़की कहाँ कहाँ मिल सकती है। एक तो यहाँ माँ दिख रही है, माँ यहाँ लड़की मिल सकती है, और यहाँ दिख रही बहन, यानी हमारा जो आंसर है ए और डी में से आंसर, यानी पहले और चौथे में से, इनमें से हमें आंसर मिल जाएगा, कि जो आएगा ये यहाँ से आंसर आएगा वो लड़की होनी चाहिए। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, अगर देखें तो एन गुड़े पी माइनस पी, यानी एन गुड़े पी मतलब क्या है, गुड़े का साइन क्या है, पुत्र, यानी एन क्या है, पी का पुत्र है, एन पी का पुत्र है, तो पुत्र है तो ये प्लस आएगा। ये माता है या पिता है अभी ये पता नहीं है, लेकिन ये क्या है, पुत्र है, ये माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं, पी माइनस एम, माइनस मतलब क्या है, बहन, यानी पी क्या है, एम की बहन है, पी एम की बहन है, पी एम की बहन है, इसका मतलब क्या है, लड़की है। जब ये लड़की है तो इसकी क्या हो जाएगी, ये माँ हो जाएगी, और ये जो एम है ये बहन है। पी माइनस एम, पी माइनस एम मतलब क्या था, बहन है, पी एम की बहन है, पी एम की बहन है, तो ये भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें अभी कुछ भी नहीं पता चला, क्यों, क्योंकि ये इसकी जो माँ है इसकी भाई या बहन है, तो हमें एम एन से तो पता चला नहीं, क्योंकि एम एन हमें बराबर में दिखना चाहिए, बराबर में नहीं है, एक पीढ़ी ऊपर है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब दूसरे को चेक करते हैं, पी प्लस एन भाग यम, पी प्लस एन मतलब क्या है, प्लस मतलब क्या है, माँ, तो पी पी क्या है, एन की माँ है, पी एन की माँ है, पी एन की माँ है, तो ये माइनस आएगी, ये क्या है, माँ। अब ये इसका लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं, एन भागे एम, भागे मतलब क्या है, भाई, एन क्या है, एम का भाई है, एन एम का भाई है, एन एम का भाई है, तो क्या है ये लड़का है इसका, ठीक है, एन एम का भाई है, लेकिन हमें निकालना क्या है, एम एन की बहन है, एम एन की बहन है। यहाँ तो नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, लड़का है या लड़की, बस इतना पता चल रहा है कि ये भाई है, तो ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकती है, हमें पता नहीं चला। अब आगे देखते हैं, एन माइनस एम, माइनस मतलब क्या है, बहन, यानी एन एन जो है एन एन एम की बहन है, एन एम की बहन है, तो ये नहीं पता चला कि एम क्या है, भाई है या बहन है, अभी पता नहीं चला। हमें निकालना क्या था, एम निकालना था, एम एन की बहन है, तो ये तो नहीं पता चला अभी। अब आगे देखते हैं चौथा, एम माइनस पी, माइनस मतलब क्या है, बहन, एम पी की बहन है, एम क्या है, पी की बहन है, एम बहन है, यानी ये माइनस है। अब ये भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, ये पी। आगे देखते हैं, पी भागे एन, भाग का मतलब क्या, भाई, यानी पी भाई है एन का, तो एन क्या हो सकता है, भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हो जाएगा भाई। अब ये तो भाई होगा पी, इसका भाई, यानी क्या हो गया, एक भाई है और एक बहन है, ये भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तीनों आपस में मिल रहे हैं। हमें क्या निकालना था, एम एन की बहन है, एम एन की बहन है, तो ये पता चल रहा है या लड़की हो या लड़का हो, लेकिन ये आपस में भाई बहन है, तो अगर ये बहन होगी तब भी ये इसकी बहन हो जाएगी, अगर ये भाई होगा तब भी ये इसका भाई हो जाएगा, तो ये आंसर सही हो गया डी, यानी क्या हो गया, एम एन की ये क्या है, बहन, एम एन की बहन है, किस में मिल रहा है हमें, डी ऑप्शन में। आपने बहुत ही अच्छे से इसको सीख लिया, ऐसे ही इसको करा जाता है, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में करोगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्या पहले और डी में से आंसर था तो हम पहले और डी को ही चेक करके आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि टाइम वहाँ बच जाता, टाइम बहुत ही कम मिलता है एग्ज़ाम में, तो आप कैसे करना, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप, इसका दूसरा टाइप क्या है, जब संकेतों से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि क्या, प्रतीक संकेत, यानी डॉलर, हैज, स्टार, डॉलर, हैज, परसेंटेज,
स्टार ये सब जो साइन होते हैं इनसे रिलेटेड होता है। सेम ऐसे ही जैसे प्लस हो या माइनस हो, ऐसे या डॉलर हो या साइन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम जैसे हमने उसको करा था वैसे इसको भी करा जाता है। तो देख लेते हैं कैसे। जैसे कि क्या, अब डॉलर मतलब क्या है, डॉलर मतलब है पत्नी, तो यहाँ हम कर लेंगे जो ये डॉलर का साइन है, डॉलर मतलब क्या है पत्नी, और क्या हैज मतलब क्या है पुत्र, हैज मतलब है पुत्र, परसेंटेज मतलब क्या है, परसेंटेज मतलब है पिता, और क्या स्टार मतलब क्या है बहन, स्टार मतलब है बहन। और केस देख लेते हैं फॉरवर्ड का है या बैकवर्ड का है। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है यानी कि क्या है ये भी बैकवर्ड ही है, यानी हमें इधर से इधर आना है। ये क्या है बी की बहन है, ऐसे रिलेशन चल रहा है। तो सेम जैसे क्वेश्चन में होगा वैसे ही हम करेंगे। ये क्वेश्चन क्या होता है, एक से ज़्यादा दो या तीन नंबर कितने भी आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या है करना आना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो देखते हैं हम कैसे करा जाता है। सेम ऐसे इतना करने के बाद ये देख लेते हैं कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, यानी ये बैकवर्ड चल रहा है। तो सेम जैसे क्वेश्चन में होगा वैसे जैसे यहाँ है वैसे इसमें भी हम करेंगे। क्या बोला है, एच स्टार टी हैज एफ परसेंटेज एल में एच का एल से क्या संबंध है। ऑप्शन है इसके चचेरा भाई या बहन, भाई या बहन, या ज्ञात नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। हम चाहे तो आंसर इलेमिनेट से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि क्या है एच एल से कैसे संबंधित है, एच एल से कैसे संबंधित है ये हमें बताना है। एच का एल से क्या संबंध है, एच का एल से क्या संबंध है, तो या तो ये तो नहीं हो सकता आंसर एलिमिनेट से, इसको क्या है करना होगा हमें। तो देखते हैं क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। एच स्टार टी है, इसका मतलब क्या, स्टार जहाँ है, स्टार का मतलब क्या है बहन, यानी एच क्या है टी की बहन है, जो एच है वो टी की बहन है, एच टी की बहन है, इसका मतलब क्या, इसकी बात चली एच टी की बहन है, तो बहन है तो ये माइनस, ये अभी पता नहीं है हमें प्लस है या माइनस, यानी ये भाई है या बहन अभी नहीं पता नहीं है। तो आगे देखते हैं, टी हैज़ एफ, हैज़ का मतलब क्या है पुत्र, यानी टी है एफ का पुत्र, टी एफ का पुत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, अब क्या पता चल गया ये पुत्र है तो ये प्लस होगा, क्योंकि ये पुत्र है, ये पुत्र है, और ये एफ क्या है इसका पिता है, जब एफ इसका पिता है ये इसका पुत्र है तो इसका लड़का हुआ, जो दूसरी इसकी बहन थी इसकी क्या हो जाएगी ये एच क्या हो जाएगा लड़की। अब आगे देखते हैं, एफ परसेंटेज एल, परसेंटेज मतलब क्या है पिता, एफ क्या है एल का पिता, एफ एल का भी पिता है, तो एल को कर लेते हैं हम यहाँ, ये लड़का है या लड़की हमें ये नहीं पता, बस ये पता है कि जो एफ है वो एल का पिता है, पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर, तो एफ एल का पिता है, जब ये पिता है इसके सारे लड़के हैं तो क्या हो जाएगा ये इसका हो जाएगा भाई, एल का जो टी होगा ये भाई हो जाएगा। ये नहीं पता है कि ये लड़का है या लड़की या बहन है या भाई, लेकिन ये आपस में भाई बहन है इतना पता चल गया। पूछा क्या है, एच का एल से क्या संबंध है, एच का, एच का जब भी का आता है तो दूसरे वाले का संबंध इससे बताना होता है कि एल एच को क्या कहेगा, तो एल एच को क्या कहेगा, जब ये आपस में सारे भाई बहन है इसका पता नहीं है कि ये लड़का है लड़की है बहन है या भाई, लेकिन इसकी जो भी है ये बहन ही होगी, बहन कैसे, ये भाई भी हो या बहन हो, बहन होगी तब भी इसकी बहन होगी ये, अगर भाई होगा तब भी इसकी ये बहन होगी, क्योंकि ये लड़की है और इसी की ही लड़की है इसके पापा की, तो सारे आपस में भाई बहन है, तो बहन आंसर सही हो गया, आंसर हो गया सी। आपने बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन सीख लिए प्रतीक और संकेत वाले, आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया हो। कितने भी क्वेश्चन हो सेम ऐसे ही करा जाता है, क्वेश्चन एक से दो तीन चार कितने भी हो ऐसे ही करा जाता है। आपने बहुत ही अच्छे से ब्लड रिलेशन को पढ़ लिया। अगर आपने इसके जो फोर टाइप है ये नहीं देखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आपको रिलेशन जानना है तो फर्स्ट टाइप में मिल जाएगा, और आपको अगर क्वेश्चन करना है इसके सारे के सारे तो इसके नेक्स्ट टाइप यानी कि थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ में मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना चैनल की प्लेलिस्ट में ऑल रीजिंग चैप्टर के नाम से, सारा का सारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हो ऐसे ही और जितने भी चैप्टर हैं उनको अच्छे से करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।